मैं इस फैकल्टी में एलएलएम का एग्ज़ाम लड़ रहा हूँ 4 साल। अच्छा, बहुत गुड, ये बहुत पहले की बात है। अब आपने बुलाया तो मेरा ये जी चाहा कि मैं किसी और सेशन में आऊँ जहाँ अपने बच्चों से मैं तफसील से बात कर सकूँ, लेकिन आपने मुझे सेरेमोनियल फंक्शन में बुलाया तो मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और मैं नहायत आजिज़ी और अदब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। देखिए अजीदो, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप ला के तालिब इल्म हैं। उसकी वजह यह है, हिंदुस्तान में मुंतज़िमा और मुकन्नना से ऊपर मकाम है अदलिया का। कानून कितना ही कानून पास कर दे, लेकिन अगर दुनिया की नज़र में वो ना गैर मुनसिफाना है तो उस पर नज़र अदालत की आती है और कोई नहीं है जो उसको चेक करे। जो लोग अदल करते हैं दुनिया में भी वो मोहतरम हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उनको एहतराम दिया है। ये बहुत खुशकिस्मत है आप लोग कि उस प्रोसेस में आप हैं कि जो दुनिया को इंसाफ दे सके, और इंसाफ देने के लिए आपकी तरबियत हो और तहकीक की बुनियाद पर हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपको और आपके सरबराहों को दिल से मुबारकबाद देते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ। इंसान जब मिट्टी के मकानों में रहता था तो उससे पहले नहायत खूबसूरत घर बनाया करती थी ये बया। ये छोटी सी जो चिड़िया है जिसको, जो खजूर के दरख्तों पे, ताड़ के दरख्तों पे, ऊंचे दरख्तों पे घोंसला बनाती है, वो घर इंसान नहीं बना सकता जो बया बनाती है। उससे भी छोटी एक मखलूक थी, शहद की मक्खी। जितना खूबसूरत घर वो बनाती थी, एक मीठा घर, इंसान वो घर नहीं बना सकता था। इंसान के घरों से खूबसूरत इन परिंदों के घर होते थे। आज भी इंसान उनको देखकर रश करता है, मगर जो चीज़ इंसानों में और इनमें फ़र्क करती थी वो ये कि इंसान का ज़हन इल्मी था, इख्तराई था, तहकीकी था, रिसर्च का था। इन परिंदों और हशरात का ज़हन तहकीक का नहीं था। नतीजा यह है कि इंसान ने तहकीक से काम लेकर आसमान पे कमंदे डाल ली, फ़िज़ा को कैप्चर कर लिया और अपने सेटेलाइट उसने आसमान पे भेज दिए। ये बया वही है आज जहाँ कल थी, शहद की मक्खी वही है आज जहाँ कल थी। मालूम क्या हुआ कि दुनिया में तरक्की और डेवलपमेंट का जितना काम है वो कुदरत के हुए दिए हुए वसाइल को तहकीक के ज़रिए काम लाने पर मबनी है। वसाइल आपको कुदरत ने दिए, लेकिन आपका ज़हन अगर तहकीकी नहीं है तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपनी पब्लिक तकरीरों में कि जो इल्म आखरत से महरूम हो जाए वो भेड़िया हो जाता है, और जो दुनिया के इल्म से महरूम हो जाता है वो भेड़ बकरी की तरह काट दिया जाता है। मिसाल अमेरिका की और अब की और अरबों की आपके सामने है। अरबों के पांव के नीचे अल्लाह ने ख़ज़ाना रखा था ज़र सयाल का, पेट्रोल का, लेकिन उनको तहकीक नहीं आती थी। तो जिनके पास तहकीक का ख़ज़ाना था, जो मुहद्दिदीन थे, वो समंदर पार से आए और उनके ख़ज़ाने पे भी कब्ज़ा किया, इनके ज़हनों को भी ग़ुलाम बना लिया। तो दुनिया में तरक्की वाबिस्ता है तहकीक से और पस्ती वाबिस्ता है तहकीक से मुँह मोड़ने से। मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं जब तालिब इल्म था तो मैं देखता था कि जो बहुत अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो एम्बेसडर कार से आते हैं, और जितने मिनिस्टर भी हुआ करते थे वो कार एम्बेसडर कार से आते थे। वो शान सवारी समझी जाती थी। हम मारुति ने रिसर्च की, दुनिया की दूसरी गाड़ियों ने रिसर्च की, आज आपको एम्बेसडर कभी नज़र नहीं आती और सब दूसरी कंपनियां सामने आ गई। आपको मैं आपको बता दूं एक बात, ये पहले कैमरा इस्तेमाल होता था कैनन का और कोडैक का। कोडैक की कंपनी दुनिया के 70%
कागज़ों पर वो हावी थी जो प्रोड्यूस करती है इसके लिए, फ़ोटो के लिए। लेकिन रिसर्च की दुनिया में वो पीछे रह गए। जब ये मोबाइल आया तो उनके 25,00,000 एम्प्लॉइज अनएम्प्लॉयड हो गए, सब चले गए, मार्केट से अलग हो गए। आपके ज़माने में एक स्कूटर हुआ करता था लमरेटा, हमारे ज़माने में हमने देखा है। अब वो नमूने के तौर पर कहीं म्यूजियम में रखा हो तो ठीक है, वरना अब सड़कों पर नज़र नहीं आता। जापान की कंपनियों ने सबको पीछे छोड़ दिया। मालूम क्या हुआ, दुनिया में जितना तरक्की का राज है वो रिसर्च से वाबस्ता है। अगर रिसर्च किसी सोसाइटी में है तो वो डेवलप करेगी, और अगर रिसर्च से वो मोड़ लिया है किसी सोसाइटी ने तो वो वहीं की वहीं रह जाएगी, जिस तरह चिड़िया वहीं रह गई, शहद की मक्खी वहीं रह गई। मैं चूँकि मजहब का तालिबे इल्म हूँ तो मैं चंद बातें इस हवाले से आपसे जिक्र करूँगा। इस्लाम जब दुनिया में आया तो उसने अंधी तकलीद की मुखालफत की, कहा कि लोगों ये बाप दादा का जो तरीका है वो छोड़ो, और जो नई रोशनी हम लेकर के आए हैं इस पर गौर करो। वो कहते थे अनकरों को मायाबो दो आबाओ ना, जो हमारे बाप दादा करते थे उसे छोड़ दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ उसे छोड़ो, जब तक तुम नई रोशनी को हासिल नहीं करोगे और पुरानी चीज़ों पर चिमटे रहोगे तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ये तरक्की का पहला उसूल था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आपने फरमाया कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि तहकीक करो। कुरान की एक आयत अक्सर आप लोग पढ़ते हैं, नमाज़ों में सुनते हैं, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास खबर लेकर के आए फतबय्यनु तो उसकी तहकीक करो कि खबर सही है कि नहीं। जजेज हजरात सिर्फ बयान के ऊपर फैसला नहीं करते बल्कि तहकीक करते हैं। आपने आदमी भेजते हैं, हरकारे भेजते हैं कि जो गवाही दी जा रही है वो सही है कि नहीं, जो एविडेंस पेश किए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, और उसकी क्रॉस चेकिंग भी होती है। तो इस्लाम ने पहली मरतबा ये कहा कि जब भी कोई खबर तुम्हारे पास आए उसकी तहकीक कर लिया करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो सकता है कि किसी गैर मुजरिम के ऊपर तुम हमला कर दोगे, किसी मासूम की तुम जान ले लोगे। फतुस बेहू अला मा फअलतुम नादिमीन, और तुम जो कुछ कर रहे हो उस पर पशीमानी होगी। तो एक बात तो ये कही कि तहकीक करनी चाहिए, और सोसाइटी का मिजाज फॉलोअर्स का नहीं होना चाहिए, मुहक्किक का होना चाहिए। एक बात तो ये कही। दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई बहुत दिलचस्प। आपने फरमाया कि कफा बिल मरे किस्बन आई वो हद सब कुल्ले मा समया, आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि हर सुनी हुई बात को वो बयान करने लगे। बात जब आपके पास आए तो उसकी तहकीक कीजिए। भाइयों, तहकीक दो चीज़ों की होती है, एक खबर की होती है, खबर लाने वाले की होती है। इस्लामी सिस्टम ऑफ अदालत में, जुडिशरी सिस्टम में दोनों की अहमियत है। इसलिए कहा गया कि कोई आदमी अगर उसका कैरेक्टर यह है माजी का कि वो झूठ बोलता रहा है, फासिक है, फाजिर है, तो वो डिसक्वालीफाई किया जाएगा। हमारे यहाँ अदालत की शर्त यह है कि अदालत है, सिर्फ जज को आदिल नहीं होना चाहिए बल्कि एविडेंस को, गवाही देने वाले को भी आदिल होना चाहिए। ये बुनियादी बात। आगे की एक बात कहता हूँ, देखिए रिसर्च में जो चीज़ सामने नज़र आती है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो, उसके तहत में कुछ चीज़ें और होती हैं। मिसाल मैं देता हूँ, समंदर में बर्फ़ का तूदा होता है, जितना ऊपर वो होता है उतना हिस्सा उसका नीचे भी होता है। तो रिसर्चर को चाहिए कि जो चीज़ ज़ाहिर है उसके नीचे क्या है उसकी तलाश व तहकीक करें। और यहीं से अदालतों के अंदर तहकीक को अहमियत हासिल हुई इस्लामी निज़ाम में। बहुत अच्छी मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमेशा याद रहेगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम बना लिए गए थे, मिस्र के बाज़ार में आ गए थे, जिसने ख़रीदा था उनकी बीवी उनके ऊपर आशिक हो गई और कमरा बंद कर लिया उसने और कहा कि बदकारी करो। वो भागे तो औरत ने कपड़ा पीछे से पकड़ लिया। उन्हें दरवाजे पर जब पहुँचे, दरवाज़ा खुला तो देखा कि मालिक सामने है। इससे पहले कि हज़रत यूसुफ़ कुछ कहते, वो औरत कह पड़ी कि इसकी क्या सज़ा है जो तेरी बीवी के ऊपर दरदराजी कर रहा है। अब वो ग़ुलाम थे, अजनबी थे, क्या कहते। तो उनका नहीं, मैं बेगुनाह, उसने किया। उनका नहीं, इसको सजा और जेल डलवा दिए। शौहर ने कहा इसकी तहकीक होनी चाहिए, तो तहकीक कैसे की जाए, गवाह किसी के पास नहीं, ना हज़रत यूसुफ़ के पास गवाह है और न उस ज़लीखा के पास गवाह है, गवाह नहीं है।
अब फैसला किस तरीके से हो, एक जज साहब क्या अदालत में फैसला करेंगे जब गवाह नहीं है। तो एक बूढ़े ने बकौल किसी के और एक बच्चे ने बकौल दूसरी रवायत के ये कहा कि आगे से दामन अगर फटा है तो मर्द गुनहगार है, पीछे से दामन फटा है तो औरत गुनहगार है। और फैसला देखा गया तो पीछे से दामन फटा था, औरत गुनहगार थी। यहाँ से हमारे फुकहा ने और हमारे से जजों ने एक ड्राइव किया सर्कमस्टांशियल एविडेंस को, यानी करीने की शहादत। बहुत से मामलात में अगर शहादत नहीं है तो करीने की शहादत होनी चाहिए कि मौके से क्या गवाही आपको मिल रही है, तो जज हजरत इसके ऊपर फैसला करें। ये आपको कुरान की इस आयत से मालूम हुआ जो हजरत यूसुफ़ अली सलाम के सिलसिले में कुरान में वारिद हुई। तो पूरे इस्लामी सिस्टम ऑफ अदालत में ये चीज़ राइज रही है। मैं आपसे एक बात और अर्ज कर लूँ जो मुझे आपसे कहनी है इस मौके पर, कि कोर्स ऑफ एविडेंस का एक मसला आता है हमारे यहाँ कि दो मर्द की गवाही, दो औरत की गवाही एक और मर्द की गवाही के बराबर है। ऐसा है नहीं। अगर एडल्ट्री का मामला हो चार गवाहों की ज़रूरत है, आम गवाही हो दो मर्द की ज़रूरत है। लेकिन अगर मसला सिर्फ रिलेटेड हो वेमेन से तो एक औरत की गवाही और दो मर्द की गवाही हो। दिलचस्प बात यह है, ये आपने कभी नहीं सुना। ये क्यों है ऐसा? एक शख्स आता है, उसने शादी की है, तो एक औरत आती है कहती है कि तुमने जिससे शादी की है उसको मैंने दूध पिलाया है और तुमको भी दूध पिलाया है। अब हमारे यहाँ रिदाई भाई बहन में शादी नहीं हो सकती। उसने कहा नहीं, तुम एक औरत हो, तुम्हारी गवाही का क्या एतबार। वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना गया। आपने फरमाया जब एक औरत ने शहादत दे दी कि यह वाकया है तो अब ये शादी नहीं हो सकती, एक औरत की गवाही पर पूरी शादी आपने कैंसिल कर दी। तो हमारे सच के तालिब इल्मों को खासतौर से जानना चाहिए कि मुख्तलिफ सिस्टम में कोर्स ऑफ एविडेंसेस क्या हैं। आम तरीके से जो चीज़ हमें मालूम होती है हम उसको फैसला कर देते हैं, बयान कर देते हैं। इन चीज़ों को जानना नहायत ज़रूरी है मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपसे तीन बातें कहना चाहता हूँ। नंबर वन, कि आपके अंदर अगर रिसर्च का जज्बा है तो सबसे पहले क्वेश्चन का जज्बा होना चाहिए कि क्वेश्चन करें आप ये चीज़ क्या है और ये क्यों है। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च की पहली बुनियाद क्वेश्चन है। जब कोई भी चीज़ आपके पास आए तो आप अकीदत के साथ उसको मानिए मत, पहले उसमें सवाल खड़ा कीजिए फिर उसका जवाब हासिल कीजिए। नंबर दो, तजज़िया, कि जो चीज़ें आपके सामने आती हैं आप उनका तजज़िया करें कि क्या वाकई सही है कि नहीं है। नंबर तीन, तारीख़ी हकायक, कि क्या ऐसा हुआ कि नहीं। आप लोग ला के तालिब इल्म में, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ। आपके सामने सड़क पर एक हादसा होता है, भीड़ लगी होती है, लौट के आकर के पूछिए आप, तो लोगों से पूछिए कि क्या हुआ, तो चार आदमी आपको चार तरह की बात बयान करेंगे। जो आपके सामने आज वाकया हुआ वो चार आदमी चार तरह की बातें बयान करेंगे एक ही वाकये के सिलसिले में। तो जो माजी में वाकया हुआ, जो पास्ट में गुजरा, उसके बारे में बातें करेंगे। तो इसी तरीके से एविडेंस वैरी करेंगे। रिसर्चर का काम यह है, तालिबिन का काम यह, मुहक्किक का काम यह है कि उन तमाम वाकयात का एनालाइज करें, फिर इससे वो नतीजा निकालें। ये रिसर्च की दूसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल रिसर्च की यह है कि आपकी जद्दोजहद मुखलिसाना हो, आप बायस ना हो। मसलन आपने पहले से एक बना लिया कि हमको ये ट्राई करना है, इसमें से ये निकालना है, तो वो रिसर्च नहीं है बल्कि अपने ख्यालात को दूसरों की माजी के अंदर दुबान दे देने का नाम। आप फारिगुल ज़हन हो, आप खाली हों, आपने जो कुछ देखा इखलास के साथ आपको उसको साबित करना चाहिए। प्रिजिडिस नहीं होना चाहिए आपको। कभी कभी तस्वात आदमी की तहकीकात को जिपरेडाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो मुहक्किक की जिम्मेदारी है। और चौथी बात तहकीक के सिलसिले में यह है कि तहकीक कहीं रुकती नहीं है, तहकीक का सिलसिला कहीं रुकता नहीं है। अगर आप कहीं रुक गए, आपने समझा कि ये हर्फ़ आखर है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये फ़ाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो तहकीक नहीं है, ये स्टेग्नेशन है, ये रुकना है। मेरे साथ साथ है ज़िंदगी का काफ़िला, मैं जहाँ ठहर गया ज़िंदगी ठहर गई। अगर तहकीक ठहर जाएगी तो ज़िंदगी ठहर जाएगी। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि आपके सामने जितने वसाइल मौजूद हैं आपके इम्कान की हद तक, उन सब को आपको इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने माखद आपके पास मौजूद हैं, जितने रिसोर्सेज आपको हासिल हैं, उन तक आपको पहुंचना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक मुहक्किक है, तहकीक करता है, लेकिन उस फील्ड में क्या क्या रिसर्चेज अब तक हो चुकी है उससे वो वाकिफ़ नहीं है, तो वो रिसर्चर अच्छा नहीं बन सकता।
میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. ان چار پانچ پوائنٹ پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ریسرچ اسکالرس، ہمارے طلبہ غور کریں اور اپنے آپ کو محقق بنائیں، تحقیقی زندگی بنائیں جو دنیا میں بھی دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہو اور آخرت میں خود ان کے لیے سرخروئی کا ذریعہ ہو. واقف دعوان الحمدللہ.